नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा जिला के सलूणी के भांदल में हुई युवक की बर्बरतापूर्ण हत्या को लेकर कहा कि ये विचलित कर देने वाली है। देवभूमि में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। सरकार दोषियों पर जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करे। महत्वपूर्ण है उस सारे मामले को लेकर के मैंने एसपी चंबा से बात की है और वहाँ के विधायक से भी बात की है। वो बहुत निंदनीय है और कानून व्यवस्था की इस प्रकार की हालत प्रदेश में आप देख रहे हैं कि रोज हत्या की घटनाएं, चोरी डकैती की घटनाएं और ड्रग्स की जिस प्रकार से सारी चीजें हैं देखने को मिल रही है और माफिया राज एक तरह का मजबूत होता जा रहा है। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूं, चंबा की जो घटना है बहुत दुखद है। जो दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए निश्चित रूप से और दोषी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ में इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो। और हिमाचल के इतिहास जो कांग्रेस के लोग हमको बहुत बड़ा पाठ पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के सीख देते हैं कि शरीर के 8 टुकड़े कर दिए, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान जो है प्रदेश के अंदर घटना घटित हुई है और इस पर अब क्या कहना है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।